9:30 और ये ब्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ आप सबके लिए, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम का प्रिपरेशन चल रहा था जिस वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो फाइनली वो एग्ज़ाम मैंने दे चुका है, वो एग्ज़ाम अच्छा भी गया है, अब उस रिज़ल्ट का वेट है, देखते हैं क्या होता है। तो आज से वीडियोज़ में कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू डालूँ और रिव्यू वीडियोज़ के साथ थोड़ा सा डेली ब्लॉग्स वीडियोज़ भी डालूँगा, होपफुली आप सबको पसंद आएगा। चलते हैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद बहुत दिनों से मैंने अपनी बाइक को नहीं देखा है, उसका एक्सीलेटर क्लच टूट चुका है और ब्रेक शू ब्रेक पैड में भी दिक्कत आ रही है, गाड़ी को वॉश भी कराना है। ये मेरी डेली लाइफ से रिलेटेड होगा गाइस, तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, और अब तक आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधा ब्रेकफास्ट करने के लिए। सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है वो सबसे पहले 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन और स्प्राउट्स और चने के साथ स्टार्ट होता है। फिर लगभग 2 घंटे बाद मैं अपना पहला मील लेता हूँ, जिसमें 2 ब्राउन ब्रेड्स रहते हैं विथ पीनट बटर, जो कि मैं मसल प्लेस का यूज़ करता हूँ, और 5 eggs, 1 whole, 4 white, और ये कॉफ़ी जो मैं ब्लैक कॉफ़ी यूज़ करता हूँ बट आज दूध के साथ बना लिया क्योंकि ठंड बहुत थी। मैं शुगर यूज़ नहीं करता, मैं हनी यूज़ करता हूँ। और ये रहा मेरा मल्टी विटामिन, जो कि मैं हर दिन वो टैबलेट लेता हूँ इसके। तो जिनको पता होगा कि मैं फिटनेस फ्रीक भी हूँ, जिम जाता हूँ, जिम जाना पसंद है, तो हमारी डाइट थोड़ी सी अलग होती है क्योंकि हमें प्रोटीन इंटेक की ज़्यादा नीड होती है, इसलिए थोड़ी सी एग्स वे प्रोटीन से ये सब चलना पड़ता है बॉडी को फिट रखने के लिए। तो इससे भी रिलेटेड वीडियोज़ आएंगी, वो सब भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, चलते सीधा बाइक को लेकर। तो चलते सीधा एकदम गंदी हो गई है, सबसे ख़राब तो ये लग रहा है इसका वाइट, क्रोम का तो क्रोमी चला गया ऐसा लग रहा है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही है, मुझको लगता है कि मेरा ब्रेक शू ख़राब हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा पतला लग रहा है और एक्सीलेटर तार टूट गया था, ये सब भी चेंज कराएंगे। तो मिलते हैं सीधा बाइक पे। वैसे तो शोरूम मेरे घर से ज़्यादा दूर है, अप्रॉक्स 1-2 किलोमीटर्स होंगे, उससे ज़्यादा तो है नहीं। आज भीड़ भी थोड़ी कमी है, वरना इस जगह पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। हम तो गाड़ी भी चला पा रहा हूँ, सर्विस सेंटर पहुँच चुके हैं और बस जल्दी से जाके बात करते हैं भैया से, तो 2 चीज़ चेंज करानी वो हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर कभी कर वो अवेलेबल होती हैं कभी नहीं होती है, तो मंगाना पड़ता है। तो पीछे का ब्रेक और एक एक्सीलेटर तार, और गाड़ी को अच्छा से वॉश करा लेंगे। ये रहा एक्सीलेटर, इसमें तो दोनों हैं, एक तो नहीं है, दोनों लगता है ना, दो तार ना, दोनों रहता है, तो दोनों ही चेंज कर दीजिएगा, वो कंप्लीट चेंज हो जाएगा। हाँ, तो इसका MRP जैसे कि देख सकते हैं 300 रुपये, और ये पीछे का, इसको ब्रेक पैड बोलते हैं कि ब्रेक शू, ब्रेक पैड है ये आपका, ब्रेक पैड हो गया, जिसका प्राइस आप देख सकते हैं, ये रेयर का है। तो लगाने के बाद अब बात करते हैं। मैंने देखा ब्रेक पैड का दाम बहुत ही ज़्यादा है, बट मेरे को पता है कि वो जो ब्रेक पैड है वो एक्चुअली 220 पल्सर का भी लगता है, तो इतना पैसा खर्च करने का इसमें मुझको नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर ये 5000 किलोमीटर चलेगी तो जो मैं अभी ये 2200 रुपये लगा के लूँगा ये उससे 1000 किलोमीटर ज़्यादा चलेगी। तो अभी हम इसमें 220 का ब्रेक पैड लगा के देखेंगे, अगर ऐसे तो कोई इशू नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने और भी बाइक्स में देखा है वो लोग भी यूज़ कर रहे हैं, ऐसे कोई इशू नहीं आ रहा है। तो ये 2200 रुपये का और वो लगभग 800 रुपये का पड़ेगा मुझे, तो वो डिफरेंस है प्राइस में, बस किलोमीटर कम हो जाएगा, तो उसको लगाने के बाद बात करते हैं। तो गाड़ी को वॉश और एक्सीलेटर तार यहीं पर लगा लेते हैं, बाकी का ब्रेक पैड जो होगा वो शोरूम में जाके, जहाँ पर 220 का पैड हमें मिल जाएगा, तो वहाँ पर लगा के देखेंगे इसे चला के कैसा लगता है। 2 hours later फाइनली गाड़ी वॉश हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में, तो बहुत ही टाइम लग गया, ऐसे भी रॉयल फील्ड में लेट होता ही आने में, कोई नई बात नहीं है। तो इसका जो पीछे का ब्रेक पैड है वो हम इमरान भाई के दुकान में जाके कराएंगे, 200 पल्सर का यूज़ करेंगे, उसमें खरीदेंगे उसको और इसमें लगाएंगे,
मैंने अभी नेट में भी सर्च किया, सेम है, क्योंकि इसमें जो वाइब्री के कैलिबर लगे हुए हैं सेम 200 पल्सर में भी लगा रहता है, तो वो काम कर जाएगा। तो अब चलते हैं सीधा इमरान भैया का दुकान, वहाँ मिलते हैं फिर। तो आ गए इमरान भैया का दुकान में और काम स्टार्ट हो गया है, सब सब निकलने वाला है। अच्छा तुम लोग सब्सक्राइबर, अरे बहुत अच्छा लगा मिलके। ग्रीडी से ही हो? हाँ। कोई यूट्यूब चैनल नेम? हाँ, एक्शन कॉमेडी वॉइस। चलो गाइस, हो ये अपने छोटे भाई लोग भी हैं जिनका यूट्यूब चैनल है, इनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ जाके इन्हें भी फॉलो कर लेना। तो बहुत ही अच्छा लगा आप लोग से मिलके, तो अच्छा लगता है कि ऐसे और सब्सक्राइबर्स मिलते हैं उनसे बात करके। तो अब ध्यान देते गाड़ी के ऊपर। तो ये रही 220 की ब्रेक पैड, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 220 की है और ये कॉन्टिनेंटल की है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है जैसे कि आप देख सकते हैं, बस प्राइस का है। ये जो मैं ओरिजिनल लगा था तो होपफुली ये 6 से 7 हज़ार किलोमीटर चलती, ये उससे 1,000 किलोमीटर कम चलेगी, लेकिन इसका प्राइस बहुत ही सस्ता है इससे। इसका प्राइस मुझे पड़ा है 250 और ये कहाँ 2200 पड़ती मुझे। तो बस जल्दी से गाड़ी बना लेते। 2 hours later सुबह में निकले थे, रात हो गया, तो इमरान भाई आ गए थे क्योंकि हो नहीं रहा था, इसका क्लिपर पिन जाम हो गया था जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया। तो फाइनली अब ब्रेक पैड लग चुका है, चलते हैं सीधा घर फिर बात करते हैं। 1 घंटे पहले ही घर आ गया था और जल्दी से आके मैंने सबसे पहले अपना लंच कंप्लीट किया क्योंकि मेरे को मेरा डाइट लेना था। तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी थी क्योंकि रीज़न तो